हिमाचल की राजधानी शिमला में भी लोगों को 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से लेन देन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। के बंद होने के एक दिन बाद शाम का समय और शिमला में सैलानियों का क्या हाल है, इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं। शाम हो गई है, एक पूरा आपने दिन गुजार दिया है, कहाँ से आप आए हैं और किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? हम अहमदाबाद गुजरात से आए और अभी हम आगे कुल्लू मनाली से होके शिमला आए। आज सुबह से हमको इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि हम 500-1000 के नोट लेके निकले थे और स्वाभाविक है कि हर जगह पे पैसा देने का होता है, खर्चने का होता है, तो 500 के नोट कोई ले ही नहीं रहा है और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि कहीं जाना है आना है या टिकट रिजर्वेशन करवाने है तो ठीक है, हमारे पास डेबिट कार्ड है तो हम उसका यूज कर रहे हैं, थोड़ा यूज करके हम आ भी गए, नहीं तो हमको अभी कहीं भी जाना है या कोई खरीदी भी करनी है। आज पूरा शिमला में हमने जहाँ भी देखा पूरा मार्केट ठंडा है। 500-1000 की नोट बंद करने का मतलब ये है कि बहुत काला धन बाहर आ जाएगा, वो सही बात है, पर उसको एक टाइम पीरियड देने का था। आज लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि साहब सरकार ने ऐसा पगला लिया है, जो बड़ा काला धन वाले हो विजय माल्या साहब जैसे जो लोग वो तो बना के भाग जाएंगे और खड़े हो जाएंगे मिडिल क्लास की पब्लिक। यहाँ पर बच्चे भी हैं छोटे छोटे और परिवार के साथ जो है सैलानी आए हुए हैं शिमला घूमने, आप बताइए कि बच्चों के साथ आज कितना मुश्किल दिन रहा? देखिए बच्चों के साथ काफी मुश्किल दिन रहा, अभी बच्चे कुछ राइड करने के लिए बोल रहे थे, वहाँ पे हमको पेमेंट करनी थी लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 500 का ही नोट था तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया और बच्चे बहुत जिद करने थे तो यही तकलीफ आई और शॉपिंग वगैरह में भी हमको बहुत दिक्कत आई है। तो यहाँ पर जो सैलानी घूमने आए हैं उनका ये कहना है कि ये जो फैसला है ये काबिले तारीफ है, यानी काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो सैलानी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट लेकर के ही सैलानी जो है यहाँ पहुंचे हैं ज्यादातर सैलानी और एटीएम भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे में एक आध दिन और सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया शिमला। मनाली पहुंचे सैलानियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, होटल रेस्टोरेंट या फिर शॉपिंग करते हुए भी सैलानी परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में आधी रात से 500 और 1000 के नोट अब चलना बंद हो चुके हैं। मैं इस वक्त पर्यटन नगरी मनाली के टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोलंग वैली में हूं, जहां पर यहां पर मनाली में पहुंचने वाला हर एक सैलानी यहां विजिट करता है। यहां के कैसे हालात हैं आइए जानते हैं, कुछ एक टूरिस्ट से पूछेंगे। कहां से हैं आप? मैं दिल्ली से हूं, सोलंग वैली घूमने आया हूं। यहां पर 500-1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है और दिल्ली का पोल्यूशन देखते हुए हम यहाँ पर आए कि यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, पर यहाँ पर कुछ होटल वाले हैं और ऑटो ड्राइवर हैं जो नोट नहीं ले रहे हैं, हम कैसे मैनेज करें? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना ये सब चीज़ें। मैम अभी आप दो तीन दिन यहाँ रहेंगे तो आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमना है, अब 500-1000 रुपये के नोट अगर नहीं चलेंगे तो आप कैसे इंजॉय करेंगे? नो सर, इंजॉय की तो सोच भी नहीं सकते हैं एक्चुअली। ये आज सुबह से मैं हमारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर है वो भी 500 का जो नोट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी हमने खाने पीने के लिए भी एक रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कल से बैंक खुल जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि बैंक में जाएं तो प्रशासन की तरफ से टूरिस्ट के लिए कोई सुविधा मुहैया हो? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये अब जो आउट ऑफ दिल्ली हैं जो कि अभी 1000 के और 500 के जो भी मतलब पैसा कहीं भी हमारा यहाँ पे रिटर्न भी नहीं हो पा रहा है और ये सब हमारा दिल्ली में जाके पॉसिबल होगा तो अब हम यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इसके लिए कुछ तो सोचना चाहिए हमारी सरकार को। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुँचने वाले जो सैलानी हैं क्या वो यहाँ पे होने वाली एडवेंचर एक्टिविटी का लाभ ले पाएंगे, लुत्फ ले पाएंगे ताकि उनकी छुट्टियाँ जो है वो मेमोरेबल बन पाए? फिलहाल इस वक्त जितने भी सैलानी हमको मिले हैं वो अपनी परेशानियाँ जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 500 और 1000 रुपये के नोट ना लिए जाने से उन वे पैराग्लाइडिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक और एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, ये परेशानी बनती जा रही है सैलानियों के लिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया सोलंग वैली।